गाइस वेलकम बैक टू द बालाजी स्टडी पॉइंट एंड द फाउंडेशन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारतीय इतिहास का एक बेहतरीन मुगल शासक जिसको हम जानते हैं मुगल वंश का संस्थापक बाबर। बाबर के जो मेन युद्ध थे उनकी ट्रिक और किसके बीच में हुए उनको भी हम जान लेंगे। इनसे भी बहुत क्वेश्चन करता है तो कभी कभी वो युद्ध दे देता है, बोलता है बाबर और किसके बीच में हुआ, या कभी ये पूछ देता है कहां हुआ या सन पूछ देता है। तीनों चीजों को आसानी से हम क्लियर करेंगे। आज की ट्रिक है बेटा 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। तो हम जिन लाइनों को देख रहे हो, जिन वर्ड को हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक से रिलेटेड रखते हैं, बाकी आपका ये राइटिंग मिलाने के लिए है। तो 26 मतलब सब में पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जितने भी ये युद्ध हुए उसमें बाबर विजयगा, ठीक है। तो एक चीज हमको पता होगी कि बाबर क्या है, जितने भी युद्ध हुए उसमें विजयगा। अब 26 का मतलब केवल 26 से नहीं है, सब जगह 1526 होगा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हिस्ट्री में मुगल वंश 1500 में ही स्टार्ट होता है। मुगल वंश का प्रथम शासक या संस्थापक आप बोल सकते हैं बाबर ही था। बाबर के बाद हुमायूं आता है, अकबर आता है, ऐसे आते आते जाते हैं और इनके मकबरों के बारे में हम लोगों ने भी पढ़ रखा था, आसानी तरीके से आपको याद करा दिया। तो 1526, 26 से तो हो गया 1526। पानी का मतलब है पानीपत, हरियाणा में एक जगह पड़ती है पानीपत, वहां युद्ध हुआ। किसके बीच में हुआ बेटा? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। हमने बताया जितने भी ये युद्ध है उसमें सब में विजय कौन रहा? बाबर रहा। तो इसमें विजय कौन रहा बेटा? बाबर। अब हम बात करेंगे 1527 में खाना खाया, तो 1527 खाना से हो जाएगा आपका खानवा। इसमें युद्ध हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच, फिर से कौन विजयी रहा आपका? बाबर, क्योंकि हमें पता है सभी युद्धों में बाबर विजयी रहा। बात आती है 1528 28 में चल दिया, चल को हम रिलेट कर लेंगे बेटा चंदेरी से, चंदेरी आपने सुना होगा। तो 1528 में चंदेरी में युद्ध हुआ जिसमें बाबर और राजा मेदिनी राय के बीच में हुआ, फिर से कौन विजयी रहा आपका? बाबर विजयी रहा बेटा। अब हम बात करेंगे 29 में घर गया, 1529 घर को आप ले लेंगे घाघरा, घाघरा आपने सुना होगा। इसमें बाबर और एक अफगानी शासक के बीच में युद्ध हुआ जिसमें फिर से बाबर विजयी हुआ और 30 में मर गया। तो 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई, तो मर गया से आप आसानी से जान सकते हो 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। सो गाइस आपको ट्रिक बिल्कुल सिंपल है, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में गड़ गया और 30 में मर गया। युद्ध के लिए हमने बता दिया, आपको ये भी बता दिया कि सभी युद्धों में बाबर विजयी रहा, किसके बीच में हुआ आपने देख लिया। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद जय भारत।